नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का क्वेश्चन है, ये आपके फ्यूचर के लिए बात की जा रही है। आज डेफिनेटली मैं 3 से 4 दिन लेट हूं। आप लोग जानते होंगे रिसेंटली 29 को आपका आईसीआर नेट एग्रोनॉमी का एग्जाम हुआ था। आईसीआर नेट एग्रोनॉमी का जो एग्जाम हुआ था, इसके लीक के रिगार्डिंग कुछ खबरें आ रही थी, कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिला होगा। आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन का पूरा, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मेंशन है, और वो आपका स्क्रीनशॉट काफी सर्कुलेट हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैं थोड़ा सा फैमिली में बिजी था। लेकिन अब यहां पर ये जो सर्कुलेट हुआ है, ये जो आपका स्क्रीनशॉट बाहर आया है, इसका मतलब पेपर या तो लीक हुआ है या इस पेपर के अंदर किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर करने वाला या तो कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है जो वहां पर आपका मैनेजमेंट में अवेलेबल था। अगर हम बात करें तो यहां पर, चलो आईसीआर नेट हम साइड में रख भी लेते हैं, आईसीआर नेट में तो कोई कंपटीशन नहीं होता है, हर बच्चे को अपने लेवल से अलग मार्क्स को गेन करना होता है, हर लेवल से अपने 60% अलग से मार्क्स लेने होते हैं, लेकिन इसमें आपकी एसएमएस और एसटीओ की वैकेंसी भी इंक्लूडेड थी। और एसएमएस और एसटीओ की वैकेंसीज जो है वो आपका आईसीआर नेट के ही एग्जाम के अंदर जो मेरिट बनने वाली थी, उनके बेसिस पर ही इन वैकेंसी को फिल किया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये बच्चों के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन है। और आप लोग इसमें, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने आज मॉर्निंग में ही आते ही सबसे पहले इस चीज को देखा कि हाँ, किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने के बाद एक सॉल्यूशन ये मिला कि अल्टीमेटली एक तो हम आईसीआर को लेटर लिख सकते हैं, आईसीआर के पास जो है जितनी भी मतलब अथॉरिटीज हैं उनके पास जा सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं आप लोगों को एक मेल जो इनका है और जो सब चीजें हैं, हम आपको अभी रिसेंटली थोड़ी देर में ही टेलीग्राम के ऊपर जो स्क्रीनशॉट था वो स्क्रीनशॉट, और दूसरा वो मेल आईडी जिनके ऊपर आपको अपनी तरफ से मेल लिखकर, और कोई भी मेल आपका या कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आप अपनी वर्डिंग में लिखिए कि सर ये पेपर जो है इस प्रकार से लीक हुआ है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जो है वो बाहर आए हैं, इसका क्या रीजन है। क्योंकि यहां पर सबसे पहले आईसीआर को एक्शन लेना पड़ेगा, एक वाजिब एक्शन होना चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, अगर आपका आईसीआर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को क्वेश्चन लिखकर भी बाहर लेके आने की अनुमति नहीं देता है, तो डेफिनेटली ये स्क्रीनशॉट अगर बाहर आया है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है आईसीआर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो आपको यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। आप बार बार जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, इवन दो कॉलेजेस को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर। अब अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये आपका हक बनता है कि इसके रिगार्डिंग एक अच्छा खासा एक्शन लिया जाए, और वैलिड एक्शन के तहत या तो पेपर या एग्जाम दोबारा होना चाहिए। और अगर पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर इसकी प्रॉपर जानकारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट बाहर आया है, आईसीआर ने किया है या किसी बच्चे ने किया तो क्यों किया, टीचर ने किया तो क्यों किया, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो आप एक बेटर, एक अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, आप हिंदी में भी अपना एक मेल अच्छे से बनाकर कि सर ये एक स्क्रीनशॉट हमें मिला है, हमारे पास सर्कुलेट हो रहा है, ये स्क्रीनशॉट कैसे बाहर आया, इसमें पेपर लीक क्यों हुआ, इसका प्रॉपर जानकारी आप हमें दीजिए, और क्यों, क्या रीजन रहा। तो आप सब बातें लिखकर उनको एक क्वेश्चन मार्क डालकर उनको मेल सेंड कर सकते हैं। और प्लीज सभी बच्चे करिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का क्वेश्चन है। अपना अगर आप लोग एडमिट कार्ड और रोल नंबर आईडी भी डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि शायद अगर आपने इस चीज को सर्कुलेट किया तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि आप लोग एक वाजिब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने बच्चों से भी यहां पर मेल करवा रहा हूं, और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों के पास भी ये आपका वीडियो जा रहा है, कि आप प्लीज इस मेल को अच्छे से सर्कुलेट, मेल को अच्छे से भेजिए लिखकर कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो उसके तहत हमें ये जानकारी ले सकते हैं, हमारा हक बनता है, हमें करना भी चाहिए। क्योंकि आप कब तक डरोगे, हर चीज में अगर डरोगे तो फिर बहुत लंबा टाइम है भाई, है ना। और ये प्रेजेंट टाइम में सब लोगों को सोचना पड़ेगा, और जल्दी से इसको कीजिए। माफी चाहता हूं मैं लेट हूं मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को अभी लेट नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाऊंगा, जहां तक भी मैं अप्रोच कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इवन दो आईसीआर में भी
विजिट करके इस चीज का रिटर्न में भी एप्लीकेशन दे पाऊं। लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग इस चीज को अपने तरफ से सर्कुलेट कीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मेरा जहां तक हो पाया मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन प्लीज आप लोग भी अपने एफर्ट्स लगाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।